गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग आज चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री। क्वाड्रेंट ज्योमेट्री इस पे क्वेश्चन देखेंगे और इसके लिए जो फार्मूले और जो थ्योरम की जरूरत है उसको हम पहले यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है इस पे हम लोग देखेंगे, समझेंगे किस तरीके का सिस्टम कार्टेशियन सिस्टम होता है, ठीक है ना। लेट कंसीडर, क्या करेंगे हम लोग, टू नंबर लाइन को कंसीडर करेंगे। किस तरीके से, यहां समझिए, कंसीडर टू नंबर लाइन, नंबर लाइन, दो नंबर लाइन कंसीडर करेंगे ऑन द प्लेन। एक प्लेन पर, प्लेन जैसे आपका पेज है या फिर बोर्ड है, इसको हम एक प्लेन कहते हैं और इस पर टू नंबर लाइन लेंगे। सच दैट, कंसीडर टू नंबर लाइन ऑन द प्लेन सच दैट दीज लाइंस इंटरसेक्ट विथ ईच अदर एट 90 डिग्री या फिर एट तरीके से लेंगे। दो नंबर लाइन लेंगे और ये दोनों नंबर लाइन एक दूसरे को ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करेंगे। देखिए कैसे, आपके पास ये नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन हमने लिया, इसको एक्स एक्स डैश नाम दिया, ठीक है ना। दूसरा नंबर लाइन लेंगे इस तरीके से, ठीक, और इस नंबर लाइन को हमने कहा वाई वाई डैश और ये आपका जीरो है। तो बेटा सभी स्टूडेंट ये जानते हैं कि नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे मान ले लें 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4 डाटा, ठीक है ना। उसके बाद -1, -2, -3, -4 डाटा, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। तो देखिए इस प्लेन को ये दोनों लाइंस जो हैं, ये दोनों नंबर लाइंस जो हैं, ये फोर पार्ट में डिवाइड कर रही हैं, फोर पार्ट में डिवाइड कर रही हैं। तो ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा और ये फोर्थ, ठीक है ना। तो जब कोई नंबर लाइन, दो नंबर लाइन लें और वो नंबर लाइन किसी प्लेन को फोर पार्ट में डिवाइड कर दें इक्वली, तो इस तरीके की जो सिस्टम बनेगा उसको हम कार्टेशियन सिस्टम कहेंगे, ओके। अगर हमको मान लीजिए इस क्वाड्रेंट पे, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट फोर्थ, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट सेकंड, इसको हम कैसे रीड करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। अब देखिए यहां साइन क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का। जैसे मान लीजिए इस प्लेन पर एक्स ओ वाई प्लेन, आप देखिए एक्स ओ वाई इस तरफ जितना पोजीशन आ रहा है, जितना पार्ट आ रहा है, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ एक पॉइंट कंसीडर कर लिया ये, ठीक है ना। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने इसका नाम पी दे दिया। देखिए एक्स एक्सिस में हमने ओरिजिन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 1, 2, 3, इसका कोऑर्डिनेट 3, और वाई एक्सिस पे देखिए 1, 2, 3, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3 का मान 3 हो गया, ठीक है ना। इसको हम रीड करेंगे पोजिशन ऑफ पॉइंट ऑन क्वाड्रेंट ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। देखिए प्लस प्लस है, इनके साइन साइन क्या होंगे इसके, माइनस प्लस प्लस प्लस, और इसका साइन क्या होगा, देखिए वाई एक्सिस यहां माइनस है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस, ठीक। और यहां तो साइन क्या होगा, एक्स एक्सिस माइनस, वाई एक्सिस माइनस, माइनस माइनस और हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो भी सिस्टम बन रहा है इसको हम क्वाड्रेंट सिस्टम बोलेंगे एट द ओरिजिन। देन गिवन
four quadrant such system is known as कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है ना, इस तरीके से जो भी सिस्टम बना उसको हम कार्टेशियन सिस्टम बोलेंगे। ओके, अब आप लोग कोई कार्टेशियन सिस्टम बना है और उसका कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट का क्वाड्रेंट बता सकते हैं। जैसे हम अभी कहें आपसे कि पॉइंट, यहां एक पॉइंट ले लीजिए जिसका नाम मान लीजिए ए है। ठीक है ना, ये पॉइंट ए है, इसका क्वाड्रेंट क्या होगा? अब इस पॉइंट का क्वाड्रेंट आपको समझना है तो इसका क्वाड्रेंट कैसे देखेंगे हम लोग? एक्स एक्सिस में देखिए कहां चल रहे हैं, एक्स आपके लिए जीरो है तो यहां क्या होगा, एक्स हमारा जीरो हो जाएगा और वाई कितना चल रहा है, एक दो तीन चार, फोर लेंथ वाई कंसीडर कर रहे हैं तो जीरो कामा फोर, ए का क्वाड्रेंट क्या मिला हमको, जीरो कामा फोर। ठीक है ना, इस तरीके से कहीं भी आप पॉइंट ले लीजिए, जैसे हम मान के ये पॉइंट लेते हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट बी है, इसका क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका यक्स है, वाई एक्सिस ये होता है तो वाई एक्सिस पे कोई ट्रेवल नहीं किया हमने, कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया तो ये टू कामा जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, यक्स पे देखिए एक दो, दो डिस्टेंस दिया यक्स पे और वाई यहाँ पे जीरो, टू कामा जीरो इसकी क्वाड्रेंट हो जाएगी। ओके, अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हम लोग समझते हैं। एक्सरसाइज 3.1 इसको आप लोग नोट करना चाहें नोट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 3.1 कौन सी एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप उसको ओपन कर लीजिए, उसमें देखिए हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपका स्टडी टेबल है और उसके बगल में आप बैठे हुए हैं और उस टेबल पे एक लैंप रखी हुई है तो उस लैंप की पोजीशन क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू यू, आपके रिस्पेक्ट में उस टेबल की, उस टेबल पे जो लैंप रखी है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसे हमको बताना है। तो समझिए इसको, अब यहां पे देखिए मान लीजिए आपका टेबल है, ये टेबल है। अब आपको इस तरीके से समझना है कि टेबल की जो बेस है, ये टेबल की जो साइड है एजेस, ये 90 डिग्री पे है तो टेबल को बोर्ड पे हम इस तरीके से बनाएंगे और यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है। ठीक है ना, टेबल रखा है और आप सपोज के लिए यही बैठे हुए हैं तो ये पॉइंट इतनी डिस्टेंस यहाँ से ट्रेवल करेंगे, इतनी डिस्टेंस यहाँ से, ये आपका एक एक्स साइड होगा जिससे कि टेबल की पोजिशन जो होगी मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है या फिर 2 मीटर है और इस साइड से सेकंड साइड से जो शॉर्टर साइड है टेबल की उसकी साइड 1 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो यहां पे आप ले लीजिए टेबल को इस तरीके से बना लीजिए, ये आपका लाइन है। ठीक, ये लाइन यहां रखी हुई है और ये इस तरीके से, तो मान लीजिए आप यहां बैठे हैं तो आपसे ये टेबल 2 मीटर की डिस्टेंस पे है इस साइड से और जो शॉर्टर साइड है टेबल की वहां से 1 मीटर की डिस्टेंस पे है तो इस टेबल का कोऑर्डिनेट जो लेंगे आप 2,1 ले लेंगे। क्या होगा, 2,1 ले लेंगे। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट यहां बैठा हुआ है, आप यहां भी बैठ सकते थे, जब यहां बैठेंगे तो इसको आप ले लेंगे 1,2, ये आप ऊपर डिपेंड करेगा इसमें से कौन सा फिक्स मान रहे हैं, जैसे एक्स और वाई एक्सिस होता था वही कंडीशन यहाँ पे भी है या आप कौन सा कोऑर्डिनेट यहाँ सपोज करेंगे। ठीक है ना, पोजीशन ऑफ लाइन, पोजीशन ऑफ द लाइन रिस्पेक्ट टू
with respect to another person is 2, 1. Position of the line with respect to another person is 2, 1. ठीक है ना, इस तरीके से कंसीडर। अब कोई स्टूडेंट इसको 3 भी मान सकता है, इसको 2 मान सकता है, कुछ भी सपोज कर लीजिए, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये पोजीशन ऑफ द लाइन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन इज 2, 1, पर्सन समझ लीजिए यहां पे कोई। ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, इसको नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन की थ्योरी बहुत लंबी है, इसको समझिए आप, पहले पढ़िए क्वेश्चन को अच्छी तरह से, उसके बाद इसमें फिगर हम बनाते चल रहे हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। देखिए किस तरीके से होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर टू आंसर देखते हैं, हम रीड कर रहे हैं, आप लोग देखिए साथ में फिगर भी बनाते चलेंगे। अ सिटी हैज टू मेन रोड, मान लीजिए एक आपका रोड जो है सिटी है, ठीक है ना, इस पे क्या है, दो मेन रोड हैं। टू मेन रोड कैसे हैं ये, ठीक है ना, ये आपके मेन रोड हैं, जिसको हम एक्स कहो, एक्स डैश वाई और वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, ये आपके सिटी के दो मेन रोड हैं। उसके बाद क्या कहा गया है, व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, सिटी के सेंटर पर ये क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। दीस टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट है, नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है ना, इस तरीके से रोड पास हो रहे हैं। आगे देखिए, All the other street of the city run parallel to these roads. जैसे एक मेन रोड होता है और उसी के पैरेलल के कई रोड और पास होते हैं। इसको देखिए, All the other street of the city run parallel to these roads are 200 meter apart. और रोड्स जो हैं 200 meter के डिस्टेंस पे हैं, 200 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। These are 5 street in each direction. सभी डायरेक्शन में कितनी स्ट्रीट है, 5 स्ट्रीट है, तीन 5 स्ट्रीट को हम बनाएं, कैसे समझिए इसको, स्टूडेंट ये फर्स्ट स्ट्रीट है, इसको नाम हम देंगे क्या, यस वन, ठीक है ना, स्ट्रीट फर्स्ट एज यस वन, उसके बाद स्ट्रीट सेकंड ले लेंगे आप, यस टू नाम दे दिया, स्ट्रीट थर्ड ले लेंगे यस थ्री। अब ये स्ट्रीट जो है इक्वल डिस्टेंस में है, ये आपके स्ट्रीट जा रही है यस टू, यस थ्री, उसके बाद यस फोर, उसके बाद यस फाइव, ठीक है ना, यस वन स्ट्रीट, यस टू स्ट्रीट, यस थ्री स्ट्रीट, यस फोर, यस फाइव, फाइव स्ट्रीट है जो कि मेन रोड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल पास हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे फाइव स्ट्रीट जो लेने हैं और फाइव स्ट्रीट वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाएंगे। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में किस तरीके से लेंगे इसको देखिए, ये ठीक है ना, यस वन नॉर्थ साउथ में यस वन जा रही है और यस टू उसके बाद यस थ्री, यस फोर, उसके बाद यस फाइव, ठीक है ना। देखिए ईस्ट वेस्ट फाइव रोड, नॉर्थ साउथ फाइव रोड पास हो रहे हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिए, और हमेशा ये ध्यान रखिए, ये रोड की डिस्टेंस जैसे यस वन से यस टू के बीच की डिस्टेंस 200 मीटर है, यस टू से यस थ्री 200 मीटर, यस थ्री से यस फोर 200, जितनी भी रोड है एक दूसरे से 200 मीटर की डिस्टेंस पे है, ये कंडीशन यहां दी गई है। उसके बाद दीज आर फाइव स्ट्रीट इन ईस्ट डायरेक्शन,
सभी डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट पास हो रहा है, इसमें देखते रहिए आप। उसके बाद यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल 200 मीटर। अब आप देखिए नंबर लाइन पे यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर में डिवाइड किया गया है और सभी के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 200 मीटर ये गिवन हमको दिया गया है। उसके बाद ड्रा द मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, अपने नोटबुक पर इस सिटी का मॉडल बनाइए और इस तरीके से स्ट्रीट को पास करवाइए। रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट बाय यूजिंग सिंगल लाइन, स्ट्रीट और रोड को जो यूज करना है वो सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। सिंगल लाइन जैसे यहाँ पे S1 कहा, S2, S3, S4 ये आपके सिंगल लाइन्स हैं और ये रोड पास हो रही है यहाँ पे। उसके बाद देखिए आगे, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, आपके मॉडल में कई क्रॉस रोड हैं। ये क्रॉस रोड मीन्स जैसे मान लीजिए आप कभी S1 नॉर्थ साउथ में गया है एक रोड, दूसरा S1 ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी पोजिशन ये हो गई और ये दोनों रोड क्रॉस कर रहे हैं एक जगह। जैसे आपके अपने गांव में देखिए दो रोड होगी, दोनों रोड एक दूसरे को क्रॉस करती रहोगी जहां पे चौराहा या फिर तिराहा बनता है, तो इस तरीके से जो बनेगा उसको हम क्रॉस रोड कहेंगे। ओके, जहां रोड क्रॉस करेंगे या फिर क्रॉस द स्ट्रीट। उसके बाद देखिए, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट, क्रॉस स्ट्रीट ये पॉइंट क्रॉस स्ट्रीट जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे हम क्रॉस स्ट्रीट कहेंगे। One running on in the north south direction and another east way.